प्रहार करो। आओ, मेरा प्रहार संभाल नहीं पाओगे। आओ, आओ, पुनः प्रहार करो। पिताश्री, पुत्र हनुमान, तुम यहाँ रणांगन में क्या कर रहे हो? पिताश्री, मुझे भी गदा युद्ध का अभ्यास करना है। हाँ हाँ पुत्र, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, आओ। क्या हुआ पुत्र? पिताश्री, मैं आपके साथ अभ्यास नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ अभ्यास क्यों नहीं कर सकते? माँ कहती है कि युद्ध हो या युद्धाभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में ही देखना चाहिए। मैं आपको शत्रु के रूप में नहीं देख सकता। युद्ध के लिए ये नीति आवश्यक है हनुमान। यदि प्रतिद्वंदी पर शत्रु समझकर प्रहार करोगे तभी युद्ध शिक्षा सीख पाओगे, और यदि शत्रु को मित्र समझकर प्रहार करोगे तो युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी पराजय निश्चित है। आओ मेरे साथ अभ्यास करो। जी पिताश्री। चलो हनुमान, मैं तुम्हें अब अभ्यास कराऊंगा। आज्ञा पिताश्री। बल बला बल बल। करो प्रहार। क्या हुआ हनुमान, प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी माँ की बात स्मरण करो और प्रहार करो। युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। हनुमान प्रहार करो। पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो। जी पिताश्री। अब संभालिए मेरा वार। और शक्ति के साथ हनुमान, शक्ति और फुर्ती के संगम से ही विजय प्राप्त होती है। जी पिताश्री। बहुत अच्छे हनुमान, और शक्ति से प्रहार करो, और तीव्रता से। हाँ।
बलबला बलबल आनंद, अति आनंद। आनंद तो बहुत आ रहा है मार्जरी का, किंतु किंतु क्या आती बल? किंतु अधिक आनंद तो तब आएगा जब ये प्रहार सचमुच में पड़ जाएगा। बलबला बलबल देखते जाओ अति बल, आगे आगे होता है क्या। मरेगा ये केसरी। वज्र की शक्ति है हनुमान की गदा में। पिताश्री, हनुमान या केसरी, कोई तो गया है मृत्यु के मुख में। लगता है पुत्र के हाथों पिता की मृत्यु हो गई। बलबला बलबल पुत्र ने ही फिर से बचा लिया अपने पिता को। पिताश्री, पिताश्री मैंने गदा छोड़ी नहीं थी, माँ के कहे अनुसार मैं गदा अभ्यास कर रहा था, किंतु गदा स्वयं ही छूट गई। ये चाल तो विफल हो गई, कोई बात नहीं, फिर आएगा अवसर, फिर चलेंगे कोई नई चाल। पुत्र हनुमान, तुम्हारे जैसा पुत्र हो तो पिता पर कोई भी संकट नहीं आ सकता, किंतु पुत्र युद्ध हो या अभ्यास, आवेश में आकर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा गदा कैसे पकड़नी चाहिए जिससे कि वो हाथ से न छूटे। पुत्र पिताश्री, कदाचित मैंने अधिक शक्ति का प्रयोग कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। पुत्र तुम अतुलित बल के स्वामी हो, किंतु कहां, कब और कैसे कितनी शक्ति का प्रयोग करना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि गदा हाथ से न छूटे। आओ पुत्र। जी पिताश्री। सैनिक गदा लाओ। यहां से सभी ग्रह नक्षत्र दिख रहे हैं, बहुत सुंदर है यह अंतरिक्ष। शीघ्र ही अंतरिक्ष मंडल होगा मेरे अधीन।
नौ ग्रह, नौ में से तीन ग्रहों की तो दशा पहले ही परिवर्तित कर दी है मैंने। शीघ्र ही ये शेष ग्रहों को भी अपनी दशा परिवर्तित करने के लिए विवश कर दूंगा मैं। मेरी मृत्यु का योग बना रहे थे ना तुम सब मिलकर, मंगल अमंगली कर दूंगा मैं तुझे, बुध पृथ्वी पर प्रलय लाएगा तू, गुरु देवों का हितैषी, मेरे गुरु ज्ञान ज्ञान निस्तेज हो जाएगा मेरी शक्ति के समक्ष। शनि तुझे अपनी टेढ़ी दृष्टि पर बहुत अभिमान है ना, अब मेरी टेढ़ी दृष्टि से बच। सूर्य तुझे तो मैं अपना द्वारपाल बनाऊंगा, और चंद्र औषधियां और जड़ी बूटियों को धरती पर पोषण देने वाले तू ही अब उनका नाश करेगा। एक तीर से तीन लक्ष्य साधूंगा मैं, ग्रहों को वश में करके अपना मृत्यु योग हटाऊंगा, पृथ्वी पर प्रलय लाकर सब कुछ समाप्त कर दूंगा, जिसके साथ साथ अंत हो जाएगा उस नर अवतार का, नारायण का। फिर इस पूरी सृष्टि का नियंत्रण होगा मेरे हाथों में, समाप्त कर दूंगा मैं सब कुछ, रह जाऊंगा तो केवल मैं और मेरे लंकावासी। तब इस पुष्पक विमान में ए चंद्रा सावधान हो जा, दशानन रावण आ रहा है तुझे अपना दास बनाने के लिए। महादेव, रावण का उत्पात सीमाएं लांघ रहा है, यदि अभी उसे रोका नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव, रावण के कहने पर शुक्राचार्य भी उसका साथ दे रहे हैं, इसीलिए शुक्र ग्रह ने अपना झुकाव विपरीत दिशा में कर लिया है, जिसके कारण पृथ्वी मुझ सूर्य ग्रह की ओर बढ़ गई है। हाँ प्रभु, पृथ्वी का तापमान अस्वाभाविक रूप से बढ़ता ही जा रहा है, और राहु और केतु भी असुर होने के कारण रावण का साथ दे रहे हैं, वो भी अपनी दिशा बदलकर अन्य ग्रहों के मार्गों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ महादेव, मुझ मंगल ग्रह के मार्ग में आ रहा था राहु, यदि यही स्थिति रही प्रभु तो ये सृष्टि असमय ही काल के गाल में समा जाएगी। और केतु मुझ बुध ग्रह के मार्ग में आ रहा था। देवेश्वर, रावण आपका भक्त है, अब आप ही उसकी इस विनाश लीला को रोक सकते हैं। देवाधिदेव, कुछ करिए, रोकिए रावण, वो चंद्र ग्रह की ओर बढ़ चुका है। महादेव, कुछ कहिए, हम सब बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं। मेरा दिया हुआ वरदान देवताओं और जगत के लिए अभिशाप बन गया। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर वो तो तुच्छ हैं परपितामह।
उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवधे होने का वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। रावण ने नर एवं वानर दोनों से सुरक्षा पाली है। वो अपने मायावी सुरक्षा कवच के कारण अब वो सबसे अवध्य हो गया है। देवों, दिया हुआ श्राप और वरदान कभी वापस नहीं होते, इसलिए मैं विवश हूं। आप सबकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये स्थिति तो निश्चित ही बड़ी विकट हो गई है। यदि प्रलय मच जाती है और रावण अपने पुष्पक विमान के द्वारा अपने परिजनों के साथ सुरक्षित बच जाता है, तब तो उसकी मृत्यु असंभव ही हो जाएगी। हां देवेश्वर, केवल आप ही रावण को रोक सकते हैं। देवो, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इस बार तो दोनों बच गए, किंतु दोनों के मस्तिष्क में विकारों के बीज तो बो ही दिए हैं मैंने। और एक दिन ऐसा आएगा ही जब ये विकार ही पिता पुत्र को एक दूसरे का शत्रु बना देंगे। किंतु लंकेश ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है, इसलिए सबसे पहले आवश्यक है हनुमान को भवन में ही रोके रखना। माँ, आप? हाँ, मैं ये कहने आई थी। हनुमान, क्या कर रहे हो? दूध गिर जाएगा। हनुमान, जाओ, क्या कर रहे हो? आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं वो कहने आई थी। ओहो, देखो, मुझे भुला दिया तुम। आप भी भूलने लगी है? ये लो, मेरे लिए कठिनाई और बढ़ गई है। आप भी भूलने लगी हैं और माँ भी भूल जाती है। नटखट हो गया है बहुत हनुमान। देखिए ना माँ, क्या भूलती हूँ मैं? आप चलिए माँ, मैं आपको बताता हूँ। पहले दूध तो पी लो। जी नानी, हो गया। अब चलिए माँ। अरे पर बताओ तो, बात क्या?